हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग देखी गई है, ये जो मूवमेंट हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वीक में होना ही था, जो एक दिन पहले हो गया। और ट्रेंड इज ए फ्रेंड, और जैसे हमने बोला था कि ऊपर जाता है 14,088 के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल जो होगा 15,180, वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और फिर कैश के स्टॉकों में तेजी देखी जाएगी, और उसके बाद दोबारा से हम ट्रेंड रिवर्सल अगर होगा तो 880 या 900 का लेवल टूटेगा, तो अच्छा खासा मंदी होगा। पीछे 2 दिनों से मैं अपने लोकेशन से आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण मैंने अपडेट फ्राइडे के लिए नहीं दे पाया, लेकिन एज पर ट्रेंड एनालिसिस जिस तरीके से रेजिस्टेंस फेस किया है 15,180, ये पहले से प्रोजेक्टेड था। आज से 15 दिन पहले जब मार्केट 15,400 के लेवल से फॉल कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन लेवल वहीं से था, और वहां से हम कंटिन्यू फॉल करके दोबारा से जब रिट्रेस किए तो वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस था। उसको अगर हम पार भी कर जाते तो नेक्स्ट पड़ाव था 15,260 से लेके 15,300। उससे पहले ही वीकनेस आ जाना, और नीचे जो क्लोजिंग हुई है कल 14,530 के आसपास, ये एक सपोर्ट तो है, साथ साथ में 14,440 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्या ये टूटेगा? एज फॉर माई व्यू आने वाले ट्रेडिंग सेशन में टूटेगा, लेकिन अगर उसको बरकरार रखना है तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में वो लेवल होल्ड होना चाहिए। और वीकली ब्रेकआउट जो लेवल है, जब तक 14,660 के ऊपर नहीं जाता है तो बहुत बड़ा तेजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, ये 15,180 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करने के कारण बहुत अच्छा खासा लेवल क्रिएट हो चुका है एक बस। और ये ट्रेंड कोई छोटी मोटी मंदी के लिए नहीं है, एक बड़ी मंदी के लिए तैयार हो रहा है। जैसा कि हमारा व्यू था कि मार्केट जनवरी के बाद ट्रेंड डाउन रहेगा, और बीच बीच में उछाल तो आएंगे, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं 2021 अच्छा नहीं होने वाला है इक्विटी के नाम पे। और फाइनेंशियल ईयर से काउंटिंग करना चाहिए, जैसे कि हम 2021 फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं, जिसका एंड जो है 31 मार्च को होगा, 31 मार्च को होने वाला है। तो इसके बेसिस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम पुराने फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं, इसीलिए जो भी ऊपर के लेवल पे अगर गिरावट भी आती है तो 14,000, 13,900 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 14,400 के आसपास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद दोबारा से तेजी आती है। तो अप्रैल मई में एक तेजी आएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जितनी भी तेजियां हैं वो मंदी के बहुत बड़ा गिरावट का कारक है। और इस तेजी मंदी में स्पेकुलेशन करने वाले को लॉस दोनों तरफ से होगा। तो मैं कोई स्पेकुलेटिव मूव नहीं, एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेक्चर वाइज, लेकिन काम का होने वाला है, क्योंकि ये जो साल है शुरू का हो सकता है उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन लास्ट लास्ट तक हम बाजार में बहुत बड़ा सेलिंग देखेंगे। क्योंकि अगर जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं, क्लियर कट मैंने पिछले साल मार्च में ही बोल दिया था कि यूएस मार्केट डबल टॉप के आसपास जाने के बाद, मींस जो कोविड से पहले टॉप बना था वहां से मार्केट गिरेगा, दोबारा टॉप छुएगा, उस टॉप के आसपास डबल टॉप बनाएगा, बेशक उसके ऊपर चला गया, लेकिन डबल टॉप के आसपास जाने के बाद एक अच्छा खासा 3 साल की मंदी आने वाला है। और यूएस में मंदी आएगा तो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट जरूर अंडर परफॉर्म करेंगे, और इसके पीछे बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी रीजन बनने वाला है। क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर के महीने में एक बड़ी बीच बीच में गिरावट आएगी, लेकिन बार बार तेजी आएगा,
जिससे कि लोगों के दिमाग में ये हो जाएगा कि बिटकॉइन जैसा या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना अच्छा है। एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखेगा, लेकिन वो एक अगले 5-7 सालों के लिए एक मंदी का बहुत बड़ा सूचक होगा क्रिप्टो करेंसी। इसका ये मतलब नहीं कि इक्विटी, इंडियन इक्विटी मार्केट गिरेगा तो नीचे ही रहेगा। ये साल में जो भी बॉटम बने, 9,000 का बॉटम बने, 10,000 का बॉटम बने या नया लो बन जाए, आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 7,000 तक भी निफ्टी आ सकती है, लेकिन 10,000 भी आती है इस लेवल से तो एक बड़ी गिरावट के रूप में होगा, और ये अगले 5 साल के लिए लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। जो कि मैं पिछले साल भी बोला था कि जो लोग कोविड में मिस कर गए हैं, इवन ये भी बोला था कि कुछ सेक्टर के स्टॉकों का बॉटम हमें मार्च में मिलेगा, कुछ सेक्टर के स्टॉकों का बॉटम मई 2020 में मिलेगा, और फाइनली जो स्टॉक अभी चल रहे हैं पिछले 3 सालों से, उनका बॉटम आने वाले 21 और 22 में मिलेगा, और ये सब नीचे से साथ में हो जाएंगे। जो स्टॉक का बॉटम लॉन्ग टर्म बन चुका है मई और मार्च 2020 में, वो स्टॉक ऊपर से गिरते हैं तो इस मंदी में भी खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। लाइक पीएसयू कंपनियां, जो कि मैं फेवरेट मेरा 2020 मई में ही बोल दिया था कि ये स्टॉकों का लॉन्ग टर्म बॉटम बन गया है, एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और अभी बहुत ऊपर आ गए हैं तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन ये जो मार्केट है अभी लार्ज कैप में एक बड़ी बिकावली होने के कारण निफ्टी का लेवल कुछ भी हो सकता है। अब इस व्यू पे लॉन्ग टर्म जिन्होंने शॉर्ट किया है, अपने रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे बहुत सारे लोगों का शॉर्ट पोजीशन फंसा हुआ है पहले से, रियल टाइमिंग जो है अभी भी नहीं आया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट पोजीशन लेने का, ये भी मैं बता रहा हूँ। मार्च मार्च में पैनिक लो बन सकता है, यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे बनेगा या 13,500 में बनेगा, कुछ भी बने, एक यहाँ से पुल बैक रैली आएगी। लेकिन ये मार्च का महीना भी, एक महीना भी मार्च स्टार्ट होने वाला है, मार्च के महीना अभी कम से कम शुरू का 15-10 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और उसके बाद का 10 दिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इन 20 दिनों के अंदर में, 25 दिनों के अंदर में अच्छा खासा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक बार आएंगे, पैनिक लो बनाएंगे, और वहां से एक अच्छा खासा फिर से तेजी देखी जाएगी। लेकिन ये मार्च के लो को फाइनल बॉटम नहीं समझना चाहिए, मार्च में एक अच्छा खासा गिरावट ड्यूज है, और वो गिरावट जो है, मेरा जो मानना है कि 13,500 से लेकर के 12,800 तक का छू सकता है। फिलहाल यहाँ से क्या करना चाहिए, तो 14,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और गैप डाउन भी खुलता है 14,400 के नीचे तो अच्छा खासा नीचे जो है वीकली जो सपोर्ट है 14,080 के आसपास है, 14,080 के आसपास है वीकली सपोर्ट, तो 14,080 पे सपोर्ट के तौर पे इसको नीचे ऊपर में जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको कवर करना चाहिए, या स्टॉप लॉस 14,400 का लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऊपर अगर जाता है 14,600 के ऊपर तो 14,980 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा, और मेरा मानना क्या है कि 14,366 के आसपास लो लगा करके अगर बाउंस बैक आता है और 14,440 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है सोमवार को, तो ये अटेम्प्ट करेगा 14,662 को ब्रेक करने के लिए मंगलवार को, और उसके बाद 14,990 आएगा, एक ट्रेंड ये निकल के आ रहा है। वरना क्योंकि अभी इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के कारण आगे आने वाले टाइम में वन वे फॉल होगा, और अभी वन वे फॉल होता है तो फिर से क्या हो सकता है कि नीचे आने के बाद हम एक बाउंस बैक देखेंगे, और बाउंस बैक के बाद फिर से एक अच्छा खासा डिप बनेगा। तो ये पैटर्न मुझे क्या लगता है, मैं ये क्लियर करूँगा कि 14,400 मंगल सोमवार को टूट जाता है और 14,080 के आसपास आ जाता है बुधवार तक, तो
तो सोम मंगल तक बॉटम बन जाता है, तो बुधवार को 1480 के ऊपर चलने लगता है, तो एक नीचे से 2 4 5 दिनों की रिलीफ रैली आ सकता है, जिसका टारगेट 14,700 600 के आसपास हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर पहले हम नीचे ऊपर चलते हैं 14,660 के ऊपर, तो 14 15,000 के आसपास फिर से हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रेंड चलने वाला है, क्योंकि गिरने का टाइम बहुत है। और प्राइस वाइज जो है इस मूव में 14,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो टूटने के बाद ही बड़ी गिरावट, जो 13,500 13,800 का जो मूवमेंट दिखता है उसके बाद कहीं दिखता है। तो सिंपल सा मैं अगर इसको कंक्लूड करूं, तो अभी मैं क्या करूंगा, तो मैं अभी गैप डाउन पे 14,400 के आसपास गैप डाउन आता है, तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है नीचे से बॉटम बनने का। बॉटम बनता है तो स्टॉक स्पेस भी खरीदारी करेंगे, और अगर ट्रेंड 14,440 के नीचे से 14,440 टूटते हुए दिखता है सामने से, तो स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे उन स्टॉकों में जिनमें अभी ऊपर से थोड़ा सा टेक्निकली ब्रेकडाउन का सिग्नल दिखा है, और इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल के लेवल दिखने लगेंगे, लाइक जुबिलेंट फूडवर्क जैसा स्टॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा स्टॉक, इन स्टॉकों पे मुझे, या आपका सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनमें जैसे ही ट्रेंड रिवर्स निफ्टी 400 को काटता है, क्योंकि वहां से भी कम से कम 400 पॉइंट गिरने के पूरे पूरे आसार होते हैं पूरे हफ्ते के लिए, और पूरे हफ्ते की गिरावट 1 से 2 दिन में सिमट जाना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट बुधवार या मंगलवार तक चलेगा मैक्सिमम, अगर नीचे आता है तो। और ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से जब तक 14,400 नहीं टूटता है, तो बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से शॉर्ट स्टॉक स्पेसिफिक करेंगे 14,400 टूटेगा तो, और उन स्टॉकों की एनालिसिस लाइव मार्केट में ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एडवांस में, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से पुल बैक आएगा। एक बार 14,000 के लेवल को छुएगा जरूर, 14,100 14,080 के आसपास से छुएगा, फिर से घूमता है तो 7 800 की तेजी आएगी, वरना 14,080 आने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंट है, क्योंकि मार्च में मेरा व्यू निगेटिव रहा है, बहुत पहले हमने बोल दिया था। और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, सिंपल सा हम मंदी के बारे में ही देख रहे हैं, और तेजी तब तक नहीं करेंगे नीचे से जब तक घूमता नहीं है। स्टॉक स्पेस भी जरूर बॉटम ढूंढ करके एंट्री कर सकते हैं अगर निफ्टी 14,400 को होल्ड कर लेता है तो। सिंपल से अगर मैं बोलूं तो 14,400 होल्ड हो जाता है तो बाइंग में आ जाऊंगा मैं, और 14,400 के नीचे जाता है तो स्टॉकों को ढूंढ करके जो अभी ज्यादा गिरे नहीं है उनको मैं बेचने की कोशिश करूंगा। एस्ट्रोलॉजिकली अभी समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समय जो ठीक होगा अप्रैल फर्स्ट वीक से होने वाला है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले पोर्टफोलियो बाइंग नहीं सोचना चाहिए। जो लोग शॉर्ट वॉर्ट नहीं करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं शॉर्ट साइड में, उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट होने वाला है, पारा की तरह, जैसे मरक्यूरी जो होता है बहुत ही बहुत तुरंत, जो थर्मामीटर में पारा होता है तुरंत हीट होने से ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा होने से नीचे आता है, जोर जोर से वोलाटाइल रहता है, तो ये साल भी मरक्यूरी का है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो बहुत ही जल्दी ही ट्रेंड रिवर्सल नीचे भी होते हुए दिखेगा, ऊपर भी होते हुए दिखेगा। तो जिधर ये वीडियो बनाना, एडवांस में प्रेडिक्ट करना, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू के पर्पस से की जाती है, लेकिन इंट्राडे में पता चलता है एग्जैक्टली करना क्या है। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल व्यू जानने के लिए और भी दूसरा वीडियो मैं अपडेट करने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा, इसकी कंप्लीट एनालिसिस जानना हो तो इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले जैसा एनालिसिस कीजिए, तो पहले जैसा एनालिसिस जानने के लिए आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए, वरना जिस तरीके से अपडेट मैं अपनी मर्जी से देने की कोशिश जो भी करता हूँ पॉइंट पे समय पे,
वो मैं अपने उसी मूड में करूंगा जिस मूड में अभी हम हैं। तो बाकी मुझे ये एनालिसिस ये लगता है कि हाँ यहाँ अपडेट करना चाहिए खुद के रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ओके।